आपकी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है पब्लिक की तरफ से, आपके हिसाब से फिर भी कितना कलेक्शन हुआ रहेगा आपके, मतलब अनुमानित? बहुत अच्छा कलेक्शन है, करीब 80% कलेक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज, स्वागत करता हूँ आप सभी का भोजपुरी कलेक्शन न्यूज चैनल में। आज हमारे साथ भोजपुरी के जो कि सिनेमा में सुपर प्लाजा जो कि ग्रैंड रोड में मुंबई मौजूद है, और आज बहुत सारे जो कि फिल्में जो लगा है सिनेमा में पवन जी का, और इसी बारे में बहुत सारी जानकारी लेने वाला हूँ, आपको सभी को बताने वाला हूँ कि तीसरे दिन में क्या कलेक्शन हुआ और क्या कैसी फिल्म चल रही है, और यूपी और मुंबई में क्या डिफरेंट हो रहा है, क्या बदलाव हुआ है पवन जी फिल्मों में भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो चलिए हम आप सभी को बताते हैं। भैया स्वागत है आपका भोजपुरी। नमस्कार आप लोगों को जी, और दर्शकों को भी नमस्कार। कैसे हैं भैया? बस बढ़िया एकदम। अच्छा भैया, पावर स्टार पवन सिंह जी का जो कि काफ़ी दिनों बाद सिनेमा में पिक्चर लगा है, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक की तरफ से? बहुत अच्छा रिस्पांस है पब्लिक की तरफ से, एकदम धमाल, मतलब पिक्चर भी बहुत अच्छी है और पवन जी एकदम फुल एंग्री यंग मैन के रोल में एकदम बहुत अच्छे लगे हैं, और फिल्म भी बहुत अच्छी लगी है, फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं, फिल्म अपने आप की कमाल फिल्म है और पूरा देहाती लुक है, फिल्म को जरूर देखना चाहिए और बार बार देख सकते हैं फिल्म। अच्छा, ऐसी फिल्म देखा जाए तो ये फैमिली पिक्चर है, और काफ़ी अभी मैंने तीसरा दिन आज चल रहा है, कैसा रिस्पांस मिला है? आज बहुत अच्छा रिस्पांस है, अभी 6 बजे के शो में बहुत अच्छी पब्लिक है, पब्लिक का बहुत अच्छा ये रिपोर्ट है, और पब्लिक काफ़ी आपने देखा ही होगा सिनेमा के अंदर बहुत पब्लिक भरी हुई है, 80% के आसपास पब्लिक पर भरी हुई है। और पहले दिन में और तीसरे दिन में क्या मतलब बदलाव हुआ है कि नहीं? पहले दिन में काफ़ी नहीं बदलाव तो बहुत हुआ है, अभी पिक्चर का क्रेज बढ़ते जा रहा है और देखिए वो सब हो रहा है। बांद्रा में एडवांस में आज फुल थी पिक्चर। हाँ। आप लोगों को मल्टीप्लेक्स सिनेमा है। हाँ, मल्टीप्लेक्स सिनेमा है। और यूपी में भी, यूपी बिहार और झारखंड जिधर भी सिनेमा में पिक्चर लगा है ये बहुत ही सुपर डुपर हिट हो रहा है, क्योंकि आप सभी भी देखते होंगे कि यूट्यूब पे काफ़ी धमाल भी मचा रहा है। पवन जी का जो गाना है भगवान को लेकर जो कि काफ़ी सुपर डुपर हिट हुआ है, उसके बारे में क्या? भगवान सुपर हिट है, वो जो सैड सॉन्ग है वो भी काफ़ी सुपर हिट गाना है, बहुत अच्छा गाना है, और एक गाना और भी बहुत अच्छे गाने सभी अच्छे हैं। अभी देखिए धीरे धीरे सारे मिलियन के ऊपर, 15-20 मिलियन के ऊपर चल रहे हैं, और अभी स्त्री का गाना तो देख ही रहे हो आप, 150 मिलियन हो गया करीब करीब, सुपर हिट हुआ जी। तो और पवन जी की तो कोई बात ही नहीं है, गले में सरस्वती, भुजाओं में भीम, और सब चल ही रहा है उनका। इसमें पवन जी का देहाती टाइप का लुक दिख रहा है, आपको कैसा लगा है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लुक लगा पवन जी का एकदम, मैंने पिछली फिल्म देखी, मैं 2 बार देख चुका हूँ फिल्म। अरे वाह, एकदम बहुत एकदम मतलब एंग्री यंग मैन का एकदम जो देसी लुक होता है, और एकदम उन्होंने जो उसको परफॉर्म किया है एकदम परफेक्ट किया है जी। जो उनका कपड़े का लुक है वो सब एकदम परफेक्ट, जो एकदम होता है देहाती लुक का जो, और जो कैरेक्टर किया है उन्होंने उसी कैरेक्टर को उन्होंने एकदम पूरा फॉलो किया है। अच्छा, और इसमें आस्था जी और जो कि एक सालू सिंह जी जो नई एक्ट्रेस आई है उनका क्या? आस्था जी का एक लुक जो है ना, वो जैसे नदिया के पार में वो साधना सिंह का था। हाँ। उस टाइप का लुक है, और कहानी भी उसी टाइप की है, तो वो भी बहुत अच्छा उनका भी है, और गाने उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, और एक देसी लुक है बहुत अच्छा है उनका। और देखा जाए सर, रंग दे बसंती फिल्म और ये सूर्यवंशम, आपको क्या लगा डिफरेंट, मतलब क्या लगा भोजपुरी इंडस्ट्री में? जो कि रंग दे बसंती एक सुपरहिट फिल्म था, जो कि बहुत बड़ा फिल्म माना गया था खेसारी जी का। रंग दे बसंती एक्चुअल में हिंदी टाइप का सिनेमा था। हाँ। ये एक्चुअल में देसी पूरा भोजपुरी सिनेमा इसको बोल सकते हैं हम। हाँ। और वो सिनेमा जो था वो हिंदी टाइप का सिनेमा था, ये था भाषा उसकी भोजपुरी थी। अच्छा, आज ये देखा जाए तो हिंदी लेवल पे ही वो शूटिंग है। हाँ हाँ, वो हिंदी लेवल पे शूट किया गया था, और वो पूरा हिंदी का उसका हिंदी के हिसाब से उसको प्रमोट भी किया गया, सब कुछ किया गया। जी सर। सर देखिए इस समय कैसा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, काफ़ी बदलाव भी हुआ है और आप लोग देख भी रहे होंगे सिनेमाघरों में, और बहुत जल्द कैसा है सिनेमाघरों में आप लोग देखोगे तो बहुत ही अच्छा पिक्चर भी है, और काफ़ी फैमिली के साथ भी पिक्चर इंजॉयमेंट है, इसमें फुल एक्शन ड्रामा सभी चीज़ें आपको देखने को मिला फैमिली साथ में, और बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाया गया है, और डायरेक्शन जो कि रजनी मिश्रा के काफ़ी बहुत अच्छा, मुझे इस बार उनका डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा उन्होंने किया है।
निशांत उज्जवल जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? निशांत उज्जवल जी तो कमाल के प्रोड्यूसर है, उनकी जो सारी फिल्में आज तक यहाँ पे जितनी भी फिल्में उन्होंने बनाई है सब बेहतरीन फिल्में ही बनाते हैं वो, मतलब उनकी प्रोड्यूसर की तरफ से उनकी कोई मतलब फिल्म में कमी नहीं होती है। निशांत उज्जवल जी डायनामिक प्रोड्यूसर जी जी, जो कि बहुत ही भोजपुरी इंडस्ट्री के देखा जाए बहुत बड़े प्रोड्यूसर माने जाते हैं, क्योंकि जो सिनेमा का जो चीज़ें रहती हैं वही वो करते हैं। और काफ़ी जो सिनेमा मिले है सूर्यवंशम फिल्म में, और जो कि लगभग 30 से 35 सिनेमा घर मिले हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। और जैसा कि मैं यहाँ पे मुंबई में ग्रांड रोड में मौजूद हूँ और ये सुपर प्लाजा में, और काफ़ी बताया सर ने कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है पब्लिक की तरफ से। सर आपके हिसाब से फिर भी कितना कलेक्शन हुआ रहेगा अब तक, मतलब अनुमानित? बहुत अच्छा कलेक्शन है, जो करीब 80% कलेक्शन है अभी 3-6 बजे के शो में, बहुत अच्छा है जी। थैंक यू सर सो मच, धन्यवाद सर आपने समय दिया। सर आपका नाम? सो राजेश कुमार सिंह। ओके थैंक यू सर सो मच, धन्यवाद।